नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। आजादी के 75वें वर्षगांठ पर जहां देश में अलग अलग और बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही है, इस दौरान बड़े बड़े कार्यक्रम किए जाने हैं, वहीं आज आपको बता दें कि हेरिटेज ट्रेन महात्मा गांधी के चंपारण यात्रा की यादों को संजोए आज मुजफ्फरपुर से बेतिया के लिए रवाना हो गई है। बता दें कि इस ट्रेन में महात्मा गांधी से जुड़ी कई तस्वीरें लगाई गई है और उनसे जुड़ी कई कहानियां बयां कर रही है। आपको बता दें कि इसका मुख्य उद्देश्य है कि महात्मा गांधी के जिंदगी को नई पीढ़ियों से रूबरू कराना। आप खुद देखिए कि किस तरह से ये हेरिटेज ट्रेन सज धज कर तैयार हो चुकी है और जो मुजफ्फरपुर से बेतिया तक का सफ़र तय करेगी। इस दौरान महात्मा गांधी ने भी सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्होंने मुजफ्फरपुर जंक्शन से बेतिया तक का सफ़र तय किया था, जो यादें अब संजोई जा रही है और इस दौरान ही ये ट्रेन चलाई गई है। हेरिटेज ट्रेन महात्मा गांधी की चंपारण यात्रा की यादों को नई पीढ़ियों से रूबरू कराने वाली है। शनिवार को 3 बोगियों वाली यह हेरिटेज ट्रेन मुजफ्फरपुर जंक्शन से खुलकर मोतीपुर, मेहसी, चकिया, पिपरा, जीवधारा, मोतिहारी, सुगौली, मंझवलिया और बेतिया स्टेशन तक जाएगी। इस ट्रेन को मीटर गेज वाला लुक देकर गांधी की चंपारण यात्रा की यादों को जीवंत की गई है। इस ट्रेन की बोगियों के अंदर और बाहर महात्मा गांधी के उन दिनों की कई तस्वीरों को प्रदर्शित की गई है। बोगी के अंदर यह दर्शाने का प्रयास किया गया है कि जब मोहनदास करमचंद गांधी चंपारण जाने के क्रम में मुजफ्फरपुर जंक्शन से किस प्रकार चंपारण तक की यात्रा की थी। इस दौरान वे मोतिहारी और बेतिया तक गए थे। बता दें कि ये हेरिटेज ट्रेन अब नई पीढ़ी को गांधी की चंपारण यात्रा की यादों से रूबरू कराएगी। तो देखा आपने, इस ट्रेन की जो है शुरुआत हो चुकी है, ट्रेन जो है अपने गंतव्य तक जाने को तैयार हो चुका है। और आपको बता दें कि इस दौरान युवा पीढ़ी जो है वो गांधी की इन यादों को बखूबी जान पाएगा, जिसके उद्देश्य से ये सारी तैयारियां की गई है। बता दें आपको कि आज़ादी के 75वें साल होने की वजह से देश में तरह तरह के कार्यक्रम किए जाने हैं। इस दौरान सरकार ने भी कई तरह के कार्यक्रम के आयोजन की बात कही है। बता दें कि इस दौरान देश इस तैयारियों में लगा है कि किस तरह आने वाले 75वें स्वतंत्रता दिवस पर बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। इस दौरान हेरिटेज ट्रेन की सौगात मिली है और इस दौरान लोग गांधी की यादों से रूबरू हो पाएंगे, जो वाकई एक बहुत अच्छी पहल है। ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप यूं ही जुड़े रहे हमारे साथ और तब तक के लिए हमें दे इजाजत। नमस्कार।